हेलो गाइस, स्टार्ट करते अपना वीडियो। आज हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जो जिसका यूज़ हमेशा होने वाला है, और फिलहाल तो उसका यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। और शेयर का नाम है, जैसे आप देख पा रहे हो, अपोलो पाइप्स। अभी अपोलो पाइप्स मतलब ये देखो, इनके ये प्रोडक्ट्स है, इसमें मिक्स प्रोडक्ट है। अभी एपीएल अपोलो ये शेयर अलग है, और अपोलो पाइप्स ये शेयर अलग है, ठीक है। अभी अपोलो पाइप्स जो है वो मेनली ये जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, ये देखो, ये जो चीज़ें लगी रहती है घर के ऊपर या सोसाइटीज़ के ऊपर, या ये जो पानी के पाइप रहते हैं, ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग का काम ये अपोलो पाइप्स ये कंपनी करती है। और जो न्यूज़ आया था फ्राइडे के दिन में, जो एक न्यूज़ आया था कि अभी ये जो इंडस्ट्री है, ये जो ये चीज़ है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ये जो पाइप्स है, इनकी प्राइस बढ़ाने वाले। तो इनकी जब प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इसका, ये जो पाइप बनाने वाली कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये है ये न्यूज़ 2 मार्च की। इसमें क्या बताया था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इन अ रिपोर्ट ऑन पीवीसी पाइप्स, तो इसमें क्या हुआ कि प्राइस वेर हाइक बाय ₹6 पर किलोग्राम एंड अराउंड 5%। तो 5% का प्राइस हाइक आया। इससे क्या हुआ, इट इज द थर्ड प्राइस हाइक इन Q4 FY21 एंड दिस इज लॉन्गेस्ट रैली इन प्राइस हाइक दैट इंडस्ट्री हैज सीन। मतलब आज तक ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अभी जो प्राइस बढ़ा है, ये इस ईयर ही बढ़ा है Q4 FY21 में। तो इसका ओवरऑल फायदा तो मैंने बताया कि जो भी पाइप बनाने वाली कंपनी है, अभी पाइप्स में कौन सी, अपोलो पाइप आता है, प्रिंस पाइप, एस्ट्रल पॉली, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, और सुप्रीम इंडस्ट्री। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो इसमें लीडर है, और ये न्यूज़ के कारण जो इनका भी आने वाला क्वार्टर होगा उसमें रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर चार्ट चेक करते हैं इसका, तो देख सकते हैं कि ये कंपनी अभी फ्राइडे के दिन में जो ओपन हुआ था, इसका 7:38 पे ओपन होने के बाद 8:86 पे ये अपर सर्किट लग गया है। 8:86 अपर सर्किट लगने के बाद अभी ये जो शेयर है, अभी तो बहुत ज़्यादा इसमें मेन ये जो एक डार्वास बॉक्स था, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि जो जब भी कोई भी शेयर ये डार्वास बॉक्स क्रॉस करता है तो उसमें एक आपको रैली दिखाई देती है। बॉक्स कौन सा था, ये लेवल पे था, यही लेवल पे शेयर कहाँ कब से घूम रहा था, नवंबर से लेके मार्च, मिड मार्च तक, और अभी उसने इसके बाहर ब्रेकआउट दिया है। क्या अभी इसमें एंट्री लेना है, तो स्मॉल क्वांटिटी में एंट्री ले सकते हो, पर अगर ये समझो बाजार में अगर गिरावट आती है और 800 या 750 के लेवल पे मिलता है, तो इसमें एंट्री की परफेक्ट लेवल होगी। क्योंकि अभी ये जो हाइक मिला है, इसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ तो होना ही है शेयर, तो अभी इसमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते इसके, तो ये पहले BSE लिस्टेड था, तो इस वजह से अपन इसमें लॉन्ग चार्ट नहीं देख सकते, पर BSE का चार्ट मैं आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ कि हाँ देखो, ये है BSE का चार्ट। BSE भी पहले से लिस्टेड था। तो एक जो टाइम था 2014 में, इसका प्राइस था सिर्फ ₹27। देख सकते हो आप, ₹27 का प्राइस था कब, 2014 में, और ₹27 से अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है ₹882। तो ये जो रिटर्न है ये बहुत ज्यादा है। सत्ताईस वाला 882 हो जाना, मतलब ये इसमें एक्चुअली अभी एक मल्टीबैगर हो चुका है। क्योंकि आप अगर पेशेंटली होल्ड कर पा रहे हो इसमें इन्वेस्ट करके, तो आपको का पैसा जरूर बनेगा। पर आप अगर देख सकते हो, यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट करके ये शेयर समझो 170 पे आ गए, 170 से ये लेवल पे आने के बाद, 93 पे आने के बाद बहुत लोगों ने बेच दिया होगा, और फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हर गिरावट में खरीदने लायक शेयर ही है।
इसलिए अभी जब भी गिरावट होगी इसमें, तो इसमें अपन एंट्री लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरी पोजीशंस एग्जिट कर दी है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने मेरी सब पोजीशन एग्जिट कर दी है लॉकडाउन के डर से। तो अभी मैं ये सेक्टर में तो एंट्री ले सकता हूँ फिलहाल। अपोलो पाइप्स और एपीएल अपोलो, ये दो शेयर मेरे रडार पे हो गए। ये प्योरली मेरी राय है। अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो आप अपना रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर फंडामेंटल देखिए कंपनी की, तो फंडामेंटल में आप देख सकते हो कि 1161 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और इसका मेनली काम क्या है, इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। और ये कंपनी देखो, अब ये कंपनी फैसिलिटीज इनकी कहाँ कहाँ पे है देखो, दादरी, सिकंदराबाद, यूपी, अहमदाबाद, गुजरात, कर्नाटक, और यहाँ पे ये इनके प्लांट अभी चल रहे हैं फिलहाल। एपीएल अपोलो, ये नहीं है शेयर, अपोलो पाइप से। और देखो कंपनी ने कर्जा कम किया, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है, कंपनी डिलीवरिंग गुड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। और सबसे मेन बात, जब कंपनी कर्जा कम करती है, कंपनी कर्जा कम करती है और उनके प्रमोटर शेयर खरीदारी करते हैं, तो समझ जाने का कि शेयर में अच्छी खासी और अपसाइड आने वाली है। और इसमें भी देख सकते हो आप, ठीक है, इसमें देख सकते हो कि कंपनी के जो प्रमोटर है, जो 37% इनके पास था मार्च 18 में, अभी देखो 52% है। इन्होंने कंटिन्यू बढ़ाया ही, 37 से 42 किया, 42 से 47 किया, और 42.7 से अभी 52 कर दिया। तो इसमें प्रमोटर हिस्सा खरीद रहे और कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। ये दो चीजें जब आती है, तब समझने का कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी होने वाली है आगे आने वाले पीरियड में। इस वजह से जो प्रमोटर है वो शेयर्स खरीदे करते हैं। अभी देखें सेल्स, देख सेल्स देख सकते हो आप, 94, 93, 123, 120, मतलब अभी तो ये लास्ट 1 ईयर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके सेल्स हो रहे। तो अगर सेल्स इंक्रीज में है तो वो शेयर अच्छा हो जाता है। प्रॉफिट लॉस में देख सकते हैं 241, फिर 284, 362, 408 करोड़, ये सब करोड़ में है फिगर। तो इसमें भी आपको एक इंक्रीजिंग फैक्टर ही दिखेगा, इसलिए मुझे ये शेयर अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और इन्होंने इनकी जो बोरोइंग है वो देखो, पहले 112 थी, फिर 90 कर दी, अभी तो 29 करोड़ कर दी है। तो ये अपना कर्जा भी कम कर रहे धीरे धीरे, और कर्जा कम करने के साथ प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इस शेयर में जब भी गिरावट आएगी तो मैं इसमें मेरी पोजीशन क्रिएट करने वाला हूँ। और अगर इसका ये देखेंगे कौन कौन इसे होल्ड करता है, देखो प्रमोटर ने सितंबर क्वार्टर में 52% में से 7.26% शेयर प्लेज रखे थे। जो दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने प्लेज उनकी जीरो कर दी, एक भी शेयर उन्होंने गिरवी नहीं रखा है। इससे समझ जाता है कि कंपनी में आगे सब पॉजिटिव होने वाला है। और म्यूचुअल फंड देख सकते हैं इसमें, IDFC टैक्स एडवांटेज ये म्यूचुअल फंड, और कोटक स्मॉल कैप, ये दो म्यूचुअल फंड ये जो पर्टिकुलर शेयर है इसको होल्ड करते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। और अगर देखो अभी मंडे के दिन अगर ये शेयर पॉजिटिव में खुलता है, मंडे के दिन में ये शेयर अगर ऊपर ही जा रहा होगा, तो उसमें स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ऐड करनी है, और जब ये एक गिरावट करेगा तब तो उसको एवरेजिंग करना है। ये स्ट्रेटजी अगर रखोगे तो ही शेयर में फायदा होगा। और अगर जल्दबाजी करोगे, अभी एक ही टाइम पे आ गए, इसमें 100 शेयर उठा लिए और ये नीचे आ गया 800 तक, तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे माल उठाते रहो, कंपनी अच्छी है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस अपोलो पाइप्स पे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।